वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर सुबह 10:10 केमिस्ट्री विद केके में हाजिर हैं अपना अगला टेस्ट पेपर नंबर 7 लेकर, जिसके टॉपिक हैं थर्मोकेमिस्ट्री, कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आपके सामने हैं क्वेश्चंस, स्टार्ट करते हैं। पहले दो क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ इंटरनल एनर्जी पहली, बॉइलिंग पॉइंट्स दूसरा, पीएच वैल्यू तीसरा, एंड वोल्टेज ऑफ सेल, ईएमएफ का मतलब वोल्टेज ऑफ सेल, कहते इंटेंसिव बताइए। देखिए, एनर्जी तो कोई भी हो, मैंने आपको सिखाया था कोई भी थर्मोडायनामिकल टर्म जिसकी स्पेलिंग में ई आता है, इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, एंट्रोपी हो, ये सब हमेशा एक्सटेंसिव होते हैं। तो पहली वाली तो बेटा एक्सटेंसिव हो गई, अब बाकी में आ जाइए। बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि हम पानी थोड़ा उबालें या ज्यादा उबालें, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यह अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से इंडिपेंडेंट होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती। आगे आ जाइए, पीएच देखिए बेटा। मान लीजिए आपके पास कोई एसिड है, आप उसे थोड़ा ले या ज्यादा ले अमाउंट में, पीएच रिमेंस सेम। जैसे वो कहता है कि 10^-4 NHCl लिया, अब आप इसको जितना चाहे ले लीजिए, पीएच तो चार ही रहेगी। 10 ml लोगे उसकी भी पीएच 4, 100 लोगे उसकी भी पीएच 4। ईएमएफ वोल्टेज ऑफ ई ऑफ सेल बराबर होता है ई ऑफ कैथोड माइनस एनोड, और ये ई वेरिएबल नहीं होते, तो ई नॉट भी वेरिएबल नहीं होगा, ये भी फिक्स होगा, यानी सारे के सारे कैसे हैं, इंटेंसिव। तो तीन बाद वाले इंटेंसिव हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, पहली वाली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां पर आइए, कहते किसमें डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस यानी एंट्रोपी। पहला देखिए, दो आयंस मिलके एक सॉलिड बना रहे हैं, तो डिसऑर्डर घट रहा है, यदि डिसऑर्डर घट रहा है तो डेल्टा एस लेस देन जीरो होगा, नेगेटिव। दूसरे में ये डायमंड से ग्रेफाइट में जा रहे हैं, डायमंड एक वेल डिफाइंड ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर होता है एज कंपेयर टू ग्रेफाइट, तो डायमंड में जो पैकिंग होगी, जो अरेंजमेंट होगा, उसमें डिसऑर्डर कम होगा, पर ग्रेफाइट की लेयर्स डिसऑर्डर्ड हो सकती हैं। कभी कभी हम पेंसिल से लिखते हैं और ऐसे करके हाथ चला दे तो वो फैल जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, पर जब डायमंड पे हाथ चला दे तो कार्बन के पार्टिकल्स इधर उधर डिसऑर्डर्ड नहीं होते, यानी डायमंड से ग्रेफाइट में जाने पर डिसऑर्डर बढ़ रहा है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन जीरो होगा। N2+3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, इधर कितने मोल्स हैं, 4, इधर कितने मोल्स हैं, 2, मोल्स कम हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, तो डिसऑर्डर घटेगा, यानी डेल्टा एस हो जाएगा लेस देन जीरो, क्योंकि पहले मॉलिक्यूल ज्यादा थे, डिसऑर्डर ज्यादा था, बाद में मॉलिक्यूल्स कम हो गए, डिसऑर्डर कम हो गया। यही तरीका है, भीड़ भाड़ होगी तो डिसऑर्डर्ड होंगे, कम लोग होंगे ऑर्डर्ड होंगे। यहां पर आ जाइए, हाइड्रोजन गैस 2H गैस में या एक है या नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हो गए हैं, तो यहाँ पे ज्यादा आपको डिसऑर्डर मिलेगा, तो यानी डेल्टा एस यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। प्रेशर 5 से 2 किया गया, बेटा प्रेशर जैसे जैसे घटता है डिसऑर्डर बढ़ता है। मैंने आपको बताया था एक बार, क्लास चल रही हो, टीचर आ जाए तो प्रेशर आ जाता है, बच्चे ऑर्डर्ड हो जाते, टीचर चला जाए प्रेशर खत्म हो जाता है, बच्चे डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो हमेशा प्रेशर कम होने पर डिसऑर्डर बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा। तो तीन में डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है, किसमें, सेकेंड में, फोर्थ में एंड फिफ्थ में, तो आपका आंसर हो गया ये वाला। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहे। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिगार्डिंग केमिकल प्रोसेस इंश्योर इट्स स्पॉन्टेनिटी एट ऑल टेम्परेचर। किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के लिए हम देखते हैं डेल्टा जी, जो कि बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप स्पॉन्टेनियस चाहते हैं, स्पॉन्टेनियस का मतलब डेल्टा जी हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो कब होगा, यदि हम डेल्टा एच को नेगेटिव ले लें और डेल्टा एस को पॉजिटिव ले लें। तो सोचिए, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव, भाई -2 -3 -5 और ज्यादा नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी उतना ज्यादा माइनस, जितना ज्यादा माइनस रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस। तो यदि हम डेल्टा एस को पॉजिटिव ले लें तो किसी भी टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक पिस्टन को फिल्ड किया गया है, 0.04 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है 50 ml से 375 ml एट कांस्टेंट टेम्परेचर
37 डिग्री सेल्सियस एज इट डज इट एब्जॉर्ब इतने जूल ऑफ हीट द वैल्यू ऑफ क्यू एंड डब्ल्यू फॉर द प्रोसेस विल बी करेक्ट क्यू और डब्ल्यू की वैल्यूज बताइए। देखिए यदि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करूं तो आप कहेंगे कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, कैन आई राइट इट इन सच अ मैनर। अब वो कह रहा है रिवर्सिबली एक्सपेंड हो रही है और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ने आइसोथर्मल, तो डेल्टा ई तो हो गया जीरो, यानी क्यू बराबर हो गया माइनस डब्ल्यू। तो पहली चीज मैं सॉल्व करके भी निकाल सकता हूं, बगैर सॉल्व किए भी बता सकता हूं, यानी क्यू और डब्ल्यू की वैल्यू सेम होनी चाहिए। देखो सारी वैल्यू सेम है, 208 208, केवल साइन रिवर्स होने चाहिए। अब साइन रिवर्स देखिए यहां पर भी है बेटा और यहां पर भी साइन रिवर्स है, बाकी में तो साइन सेम है, तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब ये दोनों हो सकते हैं, तो पता कैसे चलेगा कौन सा है? तो बताइए वॉल्यूम 50 से कितना हो गया 375, यदि पिस्टन ऐसे ऊपर जा रहा है, यदि पिस्टन ऊपर जा रहा है तो कौन वर्क कर रहा है? गैस यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, और सिस्टम यदि वर्क करता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता था केमिस्ट्री में, यानी ये बाय द सिस्टम है तो वर्क नेगेटिव होना चाहिए, और वर्क नेगेटिव किस में आएगा बेटा इस। तो लीजिए वर्क आपका नेगेटिव है और ये आपका क्यू कैसा है? पॉजिटिव है, वैसे भी दे रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है 208 जूल, तो वैसे भी इसका क्यू कैसा होना चाहिए था? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या समझ में आया है? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव, बाय द सिस्टम है इसलिए वर्क डन नेगेटिव है, तो क्यू अपने आप कैसा हो गया? पॉजिटिव। कहते सर आप कह रहे हैं इसे हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यदि आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें तो आप फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे कि वर्क डन बराबर होगा 2.303 इंटू एन की वैल्यू 0.04 दी है, आर की वैल्यू 8.31 है, टेम्परेचर 310 केल्विन हो जाएगा, लॉग V2 अपॉन V1 375 दिया है, 50 दिया है, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर भी आपका आंसर आ जाएगा 208, क्योंकि बाय द सिस्टम है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा वर्क डन इतना। क्लियर? आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मोल MgSO4 को डिसॉल्व किया वाटर में, हीट इवॉल्व, इतनी हीट रिलीज हो रही है, यानी माइनस 1 मोल MgSO4.7H2 को डिसॉल्व किया है तो इतनी एब्जॉर्ब हो रही है, यानी ये वैल्यू प्लस है। करे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताइए। एक छोटी सी ट्रिक पढ़ी थी कभी हमने, वो ये होती है कि यदि आपसे कभी भी बेटा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन पूछी जाए तो याद रखिए ये बराबर होती है एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ AS यानी एनहाइड्रस साइड माइनस एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ HS यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब आप देखिए क्या आपको वैल्यूज दी है बेटा? यस, हमें वैल्यूज दी हैं दोनों की, केवल हमें दोनों की वैल्यूज को पुट अप कर देना है, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। बताइए पहले एनहाइड्रस सॉल्ट की कितनी दी है? माइनस की 91.2। आप कहेंगे सर माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि रिलीज हो रही है बेटा माइनस, दूसरे की एब्जॉर्ब हो रही तो प्लस रहेगी 13.8, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस का 105 किलो जूल। यही फॉर्मूला होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन बराबर एनहाइड्रस साल्ट माइनस हाइड्रेटेड साल्ट की हीट ऑफ सॉल्यूशन, वैल्यू रखी, आंसर आ गया, आसान सा सवाल। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। हीट ऑफ फॉर्मेशन सबकी दी हुई है और इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा है, सिंपल सा फॉर्मूला होगा, आप लगा लेंगे कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये बराबर होगा एंथैल्पी ऑफ किसकी? N2O प्लस 3 × एंथैल्पी किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गया प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स में आ जाइए, तो रिएक्टेंट्स में किसकी एंथैल्पी लेंगे बेटा? CO एंड NO, तो 2 × एंथैल्पी ऑफ NO, ठीक, और यहीं पे इसी में जोड़ेंगे प्लस 3 × एंथैल्पी ऑफ CO। लीजिए वैल्यूज रख देते हैं, सबकी दी हुई है हमें। चलिए बताइए जरा वैल्यूज कितनी कितनी दी है भाई सबकी? CO2 की सबसे पहले, सॉरी N2O की सबसे पहले रखी जाए, N2O तीसरे नंबर पे है यानी 80, तो N2O की वैल्यू आपको दी गई है, N2O की वैल्यू आपको दी गई है 80,
उसके बाद CO2 दी गई है -400, तो माइनस का 400 और CO2 है कितने 3, लीजिए माइनस। बाकी एंथैल्पीज बताइए किसकी क्या दी है बेटा, CO की दी है 100 और 30 दी हुई है किसकी, 30 किसकी दी है चेक कर लीजिए भाई, चलिए 30 किसकी दी है NO2, तो NO2 की दी है आपको 30, साइन कैसा है पॉजिटिव लीजिए, और CO की दी है -100, ये हो गया 30 × 2 -100 × 3, क्या समझ में आया बेटा, वैल्यूज आपने रख दी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है कर लेते हैं, 4 × 3 = 12, माइनस का 1200 में 80 गया तो माइनस का 1120, ये माइनस लगा दीजिए, अंदर की वैल्यू सॉल्व करो भैया, माइनस का 300 और प्लस का 60, यानी ये हो गया प्लस का 240, तो माइनस का 1120 प्लस का 240 सॉल्व कर लीजिए कितना गया, माइनस का 880 किलो जूल आंसर। सीधा फार्मूला लगाया है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और एंथैल्पीज ही हीट ऑफ फॉर्मेशन होती हैं, वो आपको दी गई थी, केवल वैल्यूज रखी हैं और सॉल्व कर लिया है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपके साथ, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की इतनी दी है, कहते हीट रिलीज इन 0.5 मोल ऑफ HNO3, लीजिए ले लेते हैं, ये रहा HNO3, किससे न्यूट्रलाइज हो रहा है NaOH, यदि इसका 1 mEq या 1 g equivalent या 1 mole, इसके 1 g equivalent या 1 mole को न्यूट्रलाइज करता तो जो हीट आपको मिलती वो मिलती कितनी 57 किलो जूल, क्योंकि रिलीज होती तो माइनस के साइन के साथ ही आती है, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहा है कि आपके पास ये है 0.5 मोल HNO3 और ये है 0.2 मोल, यहाँ KOH है मैंने NOH लिख दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए आप K लिखना चाहें कर लीजिए, ध्यान नहीं दिया था मैंने। अब बताइए क्या इसका 0.2 इसके 0.2 को करेगा, तो 1 से 57 निकलती है तो 0.2 से कितने निकलेगी, तो 0.2 × 57 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 11.4 किलो जूल, आसान सा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हीट ऑफ फॉर्मेशन बराबर 0, चलिए स्टैंडर्ड कंडीशन में जो कार्बन होता है उसकी ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है ग्रेफाइट, तो डायमंड में तो 0 नहीं होगी, और ब्रोमीन लिक्विड यही इसकी ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें 0 होगी, फास्फोरस रेड हम अवॉइड करते हैं हमेशा, मोस्ट स्टेबल एलोटोपिक फॉर्म ब्लैक होती है, पर रिएक्शन कराते समय हम व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं क्योंकि रेड फास्फोरस उतना रिएक्टिव नहीं होता। सल्फर रोहम्बिक सल्फर होता तो इसकी 0 होती, पर ये मोनोक्लिनिक है इसलिए इसकी 0 नहीं होगी, पर ब्रोमीन अपनी किस स्टेट में है, लिक्विड यानी नेचुरल स्टेट में, और नेचुरल स्टेट में किसी भी एलिमेंट की एंथैल्पी या उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाती है बेटा 0 हो जाती है। ये रहे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, डेल्टा एच दिया है डेल्टा एस दिया है, कह रहे बताइए वो टेम्परेचर जिस पे आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। सबसे पहले ये देखिए कि यदि मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो एक टेम्परेचर होता था इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, टी इक्विलिब्रियम बराबर किसके बराबर होगा बेटा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के, याद है ये कि समझाना पड़ेगा, आइए समझा देता हूं कहां से आया, एक्चुअली फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी हो जाता है 0, तो डेल्टा एच बराबर हो गया टी डेल्टा एस, यदि डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस तो टी बराबर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, क्योंकि हमसे टेम्परेचर पूछा है तो मैं इसीलिए कैलकुलेशन में केवल टेम्परेचर को लेना चाहता हूं, बाकी चीजें मैंने हटा दी। अब मैंने डेल्टा जी को 0 लिया है, इक्विलिब्रियम पर लिया है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस का 80 किलो कैलोरी डिवाइडेड बाई डेल्टा एस इक्वल्स टू माइनस का ही 0.1, माइनस माइनस खत्म हो गया, बराबर आ गया सॉल्व करने पर कितना 800 कैलोरी लीजिए। अब ये तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का आया, वो कहता है स्पॉन्टेनियस कब होगी, तुम कैसे देखेंगे जरा देखिएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वैसे तो हमें पता है कि जब दोनों निगेटिव हो तो टी इक्विलिब्रियम कम होने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, तो 600 आंसर आना चाहिए, पर हम समझ लेते हैं देख लेते हैं कैसे। देखिए डेल्टा जी आपको निगेटिव चाहिए हाँ या ना, जब डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर है यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तब आपका टेम्परेचर 800 है,
इसका मतलब जब ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, अब ध्यान से समझिएगा, ये तो है माइनस और ये माइनस है डेल्टा, तो माइनस माइनस तो ओवरऑल वैल्यू हो गई प्लस। यदि ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई तो डेल्टा जी जीरो हो गया। आपको डेल्टा जी जीरो से कम चाहिए, निगेटिव चाहिए, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, तो आप चाहेंगे डेल्टा एच ज्यादा हो टी डेल्टा एस से। यदि ये ज्यादा चाहिए तो टी डेल्टा एस कम चाहिए, यदि टी डेल्टा एस कम चाहिए तो आपको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर 800 से कम होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और जैसे ही 800 होगा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, 800 के ऊपर जाएंगे नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी यहां पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, यहां रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, जबकि यहां पे दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपकी रिएक्शन इन दोनों कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यहां पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन। दो है भाई, प्रोपेनल यानी एल्डिहाइड CH3CH2CH, और एक है प्रोपेनॉन यानी कीटोन। ऐसे ही आपको नजर आ जाएगा, इसमें इतना ग्रुप है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ऊपर आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा क्योंकि केवल एक एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म देता था, वो था एसिट एल्डिहाइड या उसका क्लोरो डेरिवेटिव क्लोरल। इसके अलावा कोई एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करता, पर ये आयोडोफॉर्म टेस्ट रिस्पॉन्ड करेगा, तो इन्हें आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट से। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। बॉन्ड एंथैल्पी H2Cl2HCl की दी है और हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं, जब भी किसी कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछी जाए, सबसे पहले उसका एक मोल बना लीजिए, और इस एक मोल को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन कितना चाहिए? आधा मोल। क्लोरीन कितना चाहिए? आधा। ठीक, इसके लिए डेल्टा एच पूछ रहा है। तो यदि हमें बॉन्ड एनर्जी दे दी जाए, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl बराबर होता था बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट। कंबशन और बॉन्ड एनर्जी में हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट घटाया करते थे नॉर्मली अपन लोग। तो चलिए शुरू किया जाए, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी दी है? 434 का आधा करिए प्लस। क्लोरीन की कितनी दी है बेटा? 242 का आधा करिए माइनस। इसकी कितनी दी है? 431। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 93। इसका आधा करेंगे 217, इसका आधा करेंगे 121, दोनों को जोड़ के सॉल्व करिए, आंसर होगा माइनस 93। सॉल्व हो जाएगा बच्चे। आइए, HVZ रिएक्शन कौन देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड? जिन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ये अल्फा हाइड्रोजन HVZ रिएक्शन में एक एक करके हटते हैं क्लोरीन से। तो आइए जरा देखा जाए, भाई इस पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ भी देखिए कार्बन के चारों बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर यहाँ पे देखिए COH के पड़ोस में यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये HVZ रिएक्शन देगा, और जब HVZ क्लोरीन से कराएंगे तो ये H हट के यहाँ पे कौन आ जाएगा? CH, अल्फा क्लोरो एसिड्स बन जाएंगे। ये है HVZ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपके साथ। ये क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है P, गिव्स प्रेसिपिटेट दे रहा है 2,4 DNP के साथ। इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ऑन रिएक्शन विद NaHSO3 प्रोड्यूस अ व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट, यानी एल्डिहाइड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सिल्वर मिरर टेस्ट, कीटोन बिल्कुल नहीं देते, केवल एल्डिहाइड्स देते हैं, यानी टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड। और हीट करने पर बेंजोइक एसिड दे रहा है, यानी शर्त यह है कि ये बेंजीन पर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है और इसके अलावा इस पे कोई कार्बन चेन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई आंसर आपके सामने आना चाहिए। आइए देखते हैं भाई कौन सा आंसर हमें मिलता है इससे रिलेटेड। देखिएगा, ये तो कीटोन हो गया, नहीं देगा। ये एल्डिहाइड है, लेकिन ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि एक और CH3, इसके ऑक्सीडेशन से बेंजोइक नहीं, दो, या भी COH आएगा या भी COH आएगा। इसे देखिए, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन तो बेकार हो गया। और इस एल्डिहाइड में खास बात है कि इस एल्डिहाइड को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो केवल COOH बचेगा, सब गायब हो जाएगा, और CHO है, तो आपके जितने टेस्ट ऊपर थे, सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट वाला, वो सारे टेस्ट ये रिस्पॉन्ड करेगा, तो आंसर एल्डिहाइड हो। और अकेला एक ही चैन यानी एक ही कार्बन सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, यह एल्डिहाइड और एक ही पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन है, तो ये होगा आपका आंसर।
इसे देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या CO को रिड्यूस करेगा? यस। क्या डबल बॉन्ड को करेगा? हाँ, यहां करेगा। देखिएगा, ये तो हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा। यदि बीटा पोजीशन पर फेनिल लगा हो, बेंजीन रिंग लगी हो, तो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में रिड्यूस कर देगा। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ये रिएक्शन है, पहले इसकी रिएक्शन HCN से कराएंगे। जब आप HCN से रिएक्शन कराएंगे तो A बनेगा। A क्या होगा जरा देखा जाए, मैं इसे तोड़ देता हूं, ऊपर H जोड़ देता हूं और नीचे कार्बन पे CN, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। कैसा साइनोहाइड्रिन होगा देखिएगा, ये बेंजीन है, नहीं साइक्लोहेक्सेन है सॉरी, ये O तो बदल गया है OH में और कार्बन पर आ गया है CN। और जब इस CN को आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये CN हाइड्रोलिसिस के बाद किसमें बदल जाएगा? COOH में। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा दूसरा, ये रहा आसान से। यहां पर आइए भाई, एल्डोल कंडेंसेशन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, याद है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल। चलिए कैसे कराएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन्स हैं यहां पर, और यदि मैं इनको नंबरिंग दूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1.6 डाइकीटोन टाइप का ग्रुप, हालांकि एल्डिहाइड है। अब ये बताइए कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन एल्डिहाइड में आसान होगा कि कीटोन में? एल्डिहाइड में। तो इस पर हम अल्फा एच जोड़ेंगे, कहां से निकालेंगे? इस कीटोन से हम अल्फा एच निकालेंगे। पर सवाल उठता है इस पे तो दो दो अल्फा है, इधर भी है और इधर भी है, कौन सा निकालेंगे? यदि मैंने इस वाले सी को इससे जोड़ा निकाल के तो कितने कार्बन की रिंग बनेगी? 7। तो 7 की परमेबिल नहीं है, 5 या 6 की बनाते थे, तो हम कहां से निकालते थे? यहां से एच निकालेंगे। उस एच को कहां देंगे? इस पर। और इस वाले को कहां जोड़ देंगे? इस कार्बन, कुछ याद है? और अपना एल्डोल बना के गर्म करके वाटर निकालेंगे। मैंने आपको इसका एक क्विक ट्रैक जल्दी का रास्ता बताया था, QT याद है? आइए उस QT की मदद लेते हैं और मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको इस बोर्ड पे। कुछ ऐसे मैं कंपाउंड को लिखने जा रहा हूं, जो आपका कंपाउंड है वो ये लिखा है, देखिएगा ध्यान से, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2, ये वो वाला अल्फा है जहां से अपन एच निकालेंगे। तो इसे और CHO को आमने सामने रखते थे, याद है आपको? तो आइए जरा रख देते हैं CH2 एंड CH डबल बॉन्ड O, यही कंपाउंड थोड़ा घुमा के लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना, यहां से निकालते थे हाइड्रोजन, यहां से निकालते थे ऑक्सीजन, निकाल दीजिए, बन गया आपका प्रोडक्ट। क्या बना जरा देखिएगा, CH3 ऐसी रहा, C डबल बॉन्ड ऐसी रहा। अब देखिए यहां क्या बचा है, C, ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद यहां क्या बचा है, C, और ये C नीचे वाले CH के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, डबल इस CH के साथ। फिर इस CH से कौन जुड़ा है, पहला CH2, फिर कौन जुड़ा है, दूसरा CH2, फिर कौन जुड़ा है, तीसरा CH2 इस C के साथ। लीजिए ये रहा आपका प्रोडक्ट, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। यदि इसको ठीक से रिंग बना के आप चेक करेंगे तो आपका आंसर होगा, तो बेटा आपका आंसर होगा, चेक करिए इससे मिलाइए कोई मिल रहा है, आंसर होगा सेकेंड। देख लीजिए ये COCH3 हो गया, ठीक, ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यही बना है, याद है ना कैसे करते थे, आपने सामने रख के निकाल देते थे। यदि आपको नहीं याद है तो एल्डोल कंडेंसेशन का वीडियो देख सकते हैं, आपको YouTube पर बिल्कुल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन फॉर्म हाइड्राजोन एंड गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बट नॉट टॉलेंस टेस्ट। यदि टॉलेंस टेस्ट नहीं दे रहा तो एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन क्योंकि हाइड्राजोन बना रहा है तो कीटोन होगा, और ऐसा कीटोन होना चाहिए जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कीटोन पे कितना ग्रुप कंपलसरी है? इतना ग्रुप, यानी ढूंढिए कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें इतना ग्रुप हो, तो आपको ये नजर आएगा दूसरा जिसमें इतना ग्रुप है। और देख लेता हूं इसके अलावा जो कंपाउंड्स हैं, देखिए किसी में भी ध्यान से देखिए,
कहते सर ये भी तो दे सकता है, पर इसमें एल्डिहाइड है, यदि एल्डिहाइड है तो मैंने आपसे कहा था कि एल्डिहाइड हमेशा देगा टॉलरेंस टेस्ट, वो कह रहा है कि टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे रहा है। सर ये भी तो देता है एडोफॉर्म टेस्ट, पर बेटा ये हाइड्रोजोन के साथ रिएक्शन नहीं देता, इसकी ये दिक्कत है, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन ही होते हैं जो रिएक्शन देते हैं हाइड्रोजोन के साथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा। कुछ क्वेश्चंस बगैर सॉल्व किए आंसर दे देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है 9 कार्बन का जो इसके साथ टेस्ट दे रहा है, पहला का टॉलरेंस रीजन को भी रिड्यूस कर रहा है, कैनिजारो रिएक्शन भी दे रहा है, और ऑक्सीडेशन कराने पर 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, यानी ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें बेंजीन हो और 1,2 का मतलब ऐसे करके सीएच बनने हैं तो यहाँ कार्बन्स होने चाहिए, और शर्त क्या क्या होंगी देखिए, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो इसमें सीएचओ जरूर होना चाहिए, और कैनिजारो दे रहा है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, यानी यहीं पे सीएचओ जुड़ा होना चाहिए। अब बताइए आपके कंपाउंड में कितने कार्बन है, केवल मुझे इतना बता दीजिए, 9, 6 तो रिंग में हो गए, ये 7वां, ये 8वां और ये 9वां। लीजिए इस कंपाउंड को ऑक्सीडेशन कराएंगे, एक सीओएच यहां मिलेगा, एक सीओएच यहां मिलेगा, तो इसका मतलब ये डाइकार्बोक्सिलिक देगा, तो आपका आंसर है 14। अब आपको लग रहा होगा सर ये भी तो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है रिएक्शंस की, बिल्कुल कर रहा है, पर इसमें कार्बन तो 8 ही है भाई, और वो कह रहा है कि आपके कंपाउंड में 9 कार्बन है, इसलिए दूसरा नहीं होगा। एल्कोहल बेकार है, और ये इसलिए बेकार है नीचे वाला, क्योंकि बेटा इसकी कमी यह है कि जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो 1-2 नंबर पे सीओएच नहीं आएंगे, बल्कि सीओएच किस नंबर पर आएंगे, 1 और 4। क्या बात समझ में आती है आपके, तो आपका आंसर जो होगा वो तो कौन सा आंसर होगा बेटा, आंसर कौन सा होगा, 4। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर 19 और 20, दो लास्ट क्वेश्चन आसान से। इसमें आइए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या एमाइड को रिड्यूस करता है, बिल्कुल, प्राइमरी अमीन CH2NH2। क्या एसिड को रिड्यूस करता है, बिल्कुल, एल्कोहल में। क्या कीटोन को रिड्यूस करेगा, बिल्कुल, एल्कोहल में, यानी यहाँ पे बनेगी CH2NH2, यहाँ बनेगा CH2OH, यहाँ बनेगा OH। तो ये रहा आपका आंसर, नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ओ तो रिड्यूस ही नहीं हुआ, हमें ओ को रिड्यूस करना है तो नीचे चलना पड़ेगा। हाँ ये रहा आपका आंसर, देखिए तीसरा वाला, इसलिए नहीं कि ये बोल्ड है, ये इसलिए आंसर है क्योंकि देखो ये OH हो गया है, ये CH2NH2 हो गया है, ये CH2OH हो गया है, सारे ग्रुप यहाँ रिड्यूस हो गए हैं, यही कंडीशन थी बेटा कि मैं सारे ग्रुप्स को रिड्यूस करना था। ये रहा आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा छोटा किया है मैंने ताकि आपको दिखे पूरा। कहते एल्डिहाइड किसमें बनेगा, इसे तो पहचानते होंगे, रोजेनमुंड रिएक्शन, यहां से तोड़ते हैं एच इधर एल्डिहाइड बनेगा, कौन सी रिएक्शन है बेटा, रोजेनमुंड, एल्डिहाइड्स के लिए इस्तेमाल होती है, इसे भी पहचानते हैं, स्टीफन रिडक्शन, ये भी एल्डिहाइड्स के लिए ही इस्तेमाल होती है, यह भी बनेगा, ये बेंजीन का CH3 पे जब आप कराएंगे ऑक्सीडेशन तो CHO बनाएगा, रिएक्शन का नाम होता है इटार्ड ऑक्सीडेशन या इटार्ड रिएक्शन। यहां पर नहीं बेटा, मैथिल साइनाइड की जब इससे रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड्स नहीं कीटोन्स बनते हैं, तो आपका आंसर पहले 3 होंगे, A, B and C। क्लियर है, ये था आपका टेस्ट। आइए मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, यदि जगह नीचे है तो, यस है, मैं बार बार एक चीज बता रहा था, एक छोटा सा पॉइंट बता देता है, सुनिएगा ध्यान से, ये बेंजीन है और यहाँ कार्बन जुड़ा है, याद रखिए इस कार्बन से बस एक एच जुड़ा हो, बाकी कुछ भी लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ एक H कंपलसरी है, इतना ग्रुप यदि है आप ऑक्सीडेशन कराइए, हमेशा याद रखिए ये CH ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH, आगे कितने भी कार्बन हो या कार्बन जुड़ा हो, कुछ भी नाइट्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन कुछ भी जुड़ा हो, इधर कुछ भी लगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल ये कार्बन COOH में बदल के एसिड दे देगा। इसी तरह से यदि मुझसे पूछा जाए कि मैंने यहां एक CH3 लगाया या एक CH2Cl लगाया, इसका ऑक्सीडेशन कराया KMnO4 से, क्या बनेगा, तो यहाँ COH आएगा, यहाँ पे देखो CCH पूरा गायब हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 COOH। अब दिमाग में आएगा सर मान लीजिए यहाँ पे H नहीं हुआ, तो अब ये भी सुन लीजिए,
यदि यहाँ कार्बन से कुछ भी जुड़ा हो पर H ना जुड़ा हो, यदि यहाँ H नहीं जुड़ा तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा COH में, बल्कि ये पूरी रिंग ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ये कार्बन ऐसा ही रहेगा जैसा था और रिंग की जगह आ जाएगा COOH। ऐसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इसका दिखा देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने आपको दिया है ये CCl3, लीजिए बेंजोट्राइक्लोराइड, इसे दिया, कहता KMnO4 से ऑक्सीडाइज करा दिया गया, बताइए क्या बनेगा। तो याद रखिए H नहीं है तो ये रिंग गायब हो जाएगी और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CCl3COO। तो इतने सारे क्वेश्चन में कई जगह ये आया था ना कि 1,2 एसिड बन रहा है, तो याद रखिए बेंजीन यदि बनी है और यहाँ पर कार्बन से H जुड़ा है तो कितने भी कार्बन हो यदि उनसे H जुड़े हैं तो वो सारे के सारे बदल जाते हैं COOH। चलिए आज केवल इतना रखेंगे, ये था आपका टेस्ट नंबर 7, अगली क्लास में टेस्ट नंबर 8 पर आएंगे। आज यहाँ तक, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।